हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी कंबोडिया के टूर पे हूँ, तो आपको मैं इसके बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ कि कंबोडिया में जो है ना, आपको एयरपोर्ट से यहाँ जो इनकी जो डाउनटाउन है, यहाँ पर आने के लिए तकरीबन आपको डिफरेंट किस्म के लोग मिलेंगे। कोई $20, कोई $25 आपसे चार्ज करेगा। तो जो मैंने दिए थे, वो दिए थे उसका मैंने $15। और इसका मैं जिस टाइम जिस जगह पे हूँ, इसका मैं लिंक डालूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और अभी मैं जो इनका रॉयल पैलेस है वो देख कर आया हूँ, और वो उसका टिकट था तकरीबन $5 का। और यहाँ पर जो यहाँ पर देखा है मैंने कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो बहुत ही गंदी है। जैसे हमारे कंट्री में पाकिस्तान में कुछ जगह पर ऐसी ट्रैफिक होती है कि दोनों तरफ से गाड़ी आ रही होती है, यहाँ पर वही हिसाब है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो बिल्कुल रिस्पेक्टिंग करते हैं पैदल चलने वालों का। सिंगापुर बहुत ही अच्छा था इस मामले में, वो रिस्पेक्ट करते हैं जो पैदल चल रहे होते हैं, वो गाड़ी पहले रोक लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मैं इसको इनको इशारे भी कर रहा था, लेकिन तब भी नहीं रोक रहे थे। इवन कि मैं रोड के बीच में आ गया था, तो गाड़ी वाले बिल्कुल मेरे आगे से यूँ फिर भी गुजर रहे थे। तो यहाँ पर कोई रिस्पेक्ट नहीं है पैदल चलने वालों की। और लोग तो यहाँ पर अच्छे हैं, फ्रेंडली पीपल हैं, क्योंकि इनकी पूरी कंट्री है। इसकी जो इनकम है वो एक तो राइस है, ठीक है, दूसरा काजू जो है वो यहाँ से यहाँ पे होता है, और थर्ड जो सबसे जो मेन इनकी है वो टूरिज्म है। तो इसलिए इनका जो बिहेवियर है होता है टूरिस्ट के साथ, वो बहुत अच्छा होता है। और मैंने ये फाइंड किया कि यहाँ पर जैसे आप रोड निकलेंगे, आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग आपको कहेंगे टुक 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 टुक, आपको रक्षे में के लिए आवाज़ लगाएंगे। कुछ लोग होंगे जो कि आपको लाइक सम पीपल आर ब्रोकर, वो आपको बताएंगे लड़कियां हमारे पास हैं, वी हैव गर्ल्स, यू लाइक द गर्ल्स, उस तरह का सीन होता है। और अभी मुझे एक नया इंकशाफ हुआ यहाँ पर कि अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो मुझे एक बंदे ने कहा कि ये है मैन, यू वॉन्ट आशीष, वी हैव गुड आशीष। मैंने कहा वॉट? तो उसने कहा कम विद मी। नहीं, चलो एक्सप्लोर करते हैं इसके पास क्या चीज़ है। तो मैं इसके साथ गया, तो उसने मुझे दिखाया उसके पास डिफरेंट थी, कोई शीश थी, कुछ चर्स परफ्यूम, उसके पास हर किस्म का नशा था। तो कहता हो यू लाइक टेल मी विच वन यू लाइक, आई गिव यू। तो उसको मैंने कहा नो, आई एम मुस्लिम, सो आई डोंट नीड दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो उसने कहा कि ओके नो प्रॉब्लम, ओके यू कैन गो। और यहाँ पर जो आपको मिलेंगी होटल्स, ठीक है, मैं तो बैक पैकर्स हॉस्टल पर हूँ, मुझे तकरीबन $3.5 में एसी रूम है। और यहाँ पर डिफरेंट प्राइस हैं, अगर आप सेपरेट रूम लेते हैं तो डिपेंड करता है कितने स्टार हैं उसके, हर एक का अलग रेट होता है। आपको तकरीबन सबसे जो अच्छा है ना, आई थिंक उसका रेट होगा $100 तक, और जो नॉर्मल है लाइक 30, 40, 50 तक आपको मिल जाएंगे।